हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो कि मार्केट में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ला सकती है। वो है SEC का अप्रूवल ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑन ब्लैक रॉक स्पॉट बिटकॉइन ETF। ये गेम चेंजिंग स्टेप हो सकता है स्पेशली क्रिप्टो मार्केट के लिए। और हाँ, साथ ही ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये फाइनेंशियल वर्ल्ड के लैंडस्केप को चेंज कर रही है। तो इस वीडियो में हम डेफिनेटली ये बात करने वाले हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर स्टेप से मार्केट में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो विदाउट wasting any time, let's get started. आखिर इस approval का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब BlackRock के spot Bitcoin ETF पर options trade किया जा सकता है। ये move directly institutional investors को crypto market में enter करने के लिए powerful tool देगा। ये जो particularly ETF approval है, इसका असर long term में काफी बड़ा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब Bitcoin के notional value को fractionally back किया जा सकता है Bitcoin के ETF options के साथ। इसका मतलब है कि Bitcoin के price exposure को derivatives और options के through मैनेज किया जा सकता है बिना एक्चुअली बिटकॉइन को फिजिकली होल्ड किए हुए। ऐसे हाई लेवल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे बिटकॉइन के लिए, लेकिन वहीं अब डेरिवेटिव्स और लेवरेज के थ्रू बिटकॉइन के सिंथेटिक एक्सपोजर को बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही जिसमें रिस्क मैनेजमेंट पर भी ज्यादा फोकस होगा। सिंथेटिक का सिंपली मतलब ये है कि अब आप बिना बिटकॉइन को होल्ड किए हुए भी डेरिवेटिव्स में अपनी पोजीशंस को बना सकते हो और अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेप से मार्केट पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। इस मूव के बाद बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट और वोलेटिलिटी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू इंस्टीट्यूशंस ड्यूरेशन और वोलेटिलिटी स्क्यू के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। इससे मार्केट में नई स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर ये ड्यूरेशन और वोलेटिलिटी स्क्यू क्या है। ड्यूरेशन का सिंपली मतलब बस ये है कि अगर इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को कस्टमाइज करना चाहता है तो वो डेफिनेटली कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस को यूज कर लंबे समय तक बिटकॉइन में स्पेक्युलेशन कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स को प्राइस के स्लो और ग्रेजुअल मूवमेंट को भी कैप्चर करने में हेल्प करता है। मतलब कि वो ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स के साथ प्ले अराउंड कर थीटा डीके का भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी अगर मार्केट कहीं मूव नहीं भी कर रही तो भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो मार्केट में ट्रेड्स ले लें। वहीं ये सेम चीज ETF के साथ नहीं करी जा सकती। ETF में सिर्फ आप बाइंग पोजीशन पे हो सकते हो, यानी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा और नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगर मार्केट रेंज में मूव करता है। वेयर एज ये बैरियर डेरिवेटिव के साथ नहीं आएगा। वहीं वोलेटिलिटी स्क्यू का मतलब ये है कि बिटकॉइन की प्राइस वोलेटिलिटी को प्रिडिक्ट करते हुए इंस्टीट्यूशंस अपने स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं। वोलेटिलिटी स्क्यू के अंदर अपसाइड और डाउनसाइड की वोलेटिलिटी अलग अलग होती है। जनरली डाउनसाइड वोलेटिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि इन्वेस्टर्स डाउनसाइड वोलेटिलिटी से बचने के लिए ज्यादा ऑप्शंस खरीदते हैं। वहीं इंस्टीट्यूशंस इस स्क्यू का एडवांटेज लेके स्पेसिफिक ऑप्शंस खरीद या फिर बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें लगता है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो ऑप्शंस खरीद कर वोलेटिलिटी स्क्यू के थ्रू प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। स्पेसिफिकली ये डेवलपमेंट बिटकॉइन के लिए काफी बड़ा स्टेप है क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेप ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट के साथ उनका इंटीग्रेशन बढ़ा सकता है। यहाँ इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को ले सकते हैं जहाँ बिटकॉइन के प्राइस को वो ज्यादा इफेक्टिवली हेज कर पाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो ये अप्रूवल लेके आता है, वो है वोलेटिलिटी स्माइल। बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है तो उसकी वोलेटिलिटी नीचे जाती है। ये जनरली ट्रेडिशनल मार्केट में भी देखा जाता है। वही बात करें अगर नेगेटिव वाना की, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बिटकॉइन का प्राइस और उसकी वोलेटिलिटी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें प्राइस काफी फास्ट इंक्रीज होता है। तब होता है जब ऑप्शंस इन द मनी हो जाते हैं, यानी ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस बिटकॉइन के स्पॉट के पास चला जाए या फिर उससे ज्यादा पहुंच जाए। इस सिचुएशन में गामा स्क्वीज हो जाता है, यानी जो पार्टिसिपेंट सेल साइड में बैठे हुए थे उन्हें और ज्यादा बिटकॉइन को खरीदना पड़ता है, इससे प्राइस और ज्यादा फास्ट इंक्रीज हो जाता है। इन शॉर्ट, जब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है तो वोलेटिलिटी स्माइल के हिसाब से वोलेटिलिटी गिरती है। वही नेगेटिव वेना और गामा स्क्वीज का मतलब है कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत फास्ट मूव करता है जैसे जैसे बिटकॉइन इन द मनी ऑप्शंस में ज्यादा चला जाता है। तो गाइस, ये था SEC का अप्रूवल एंड इसका इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल मार्केट। ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है जिससे मार्केट में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और हाँ, ये ट्रेडिशनल मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में एक ब्रिज को क्रिएट कर सकता है। पर्टिकुलरली इस मूव को देखकर तो यही लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम में काफी बुलिश रहने वाली है और एक अपने सेट नंबर को शायद वो अचीव कर ले। आपको क्या लगता है, बिटकॉइन का प्राइस और मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।